मुझको सामने काटा। हमने इसके लिए क्या डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी गुड, आपको हिंदी में नाम पता चल गया, इशिकावा आरेख। इसमें हमने क्या किया, इस पार्ट में कौन कौन सी चीजें आई हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स आए हैं, उनको हमने एक छोटे से डायग्राम में हमने पूरे पार्ट को कंक्लूड कर लिया है। जैसे इस पार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, झाड़ फूंक नहीं करवानी है, जबकि मरीज को कहाँ लेकर जाना है, हॉस्पिटल लेकर जाओ डॉक्टर के पास। तो अंधविश्वास हटाओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। इस पार्ट में क्या था, एक बच्चा था, उसको या तो बर्र ने या तो सांप ने काटा था, फिर झाड़ फूंक वाले के पास ले गए और तांत्रिक के ऊपर झाड़ फूंकी। सबसे पहले क्या था, बच्चे ने आते में सांप नहीं से देखा, नारियल के खोल में फिर सांप घुस गया, नारियल का खोल नानी के पास ले गया बच्चा, उसी समय बच्चे को बर्र ने काट लिया। सांप का काटना समझकर उसे नाना तांत्रिक के पास ले गए और तांत्रिक ने झाड़ फूंक करवाई, जो क्या है, अंधविश्वास था उनका। फिर सच में बच्चे को किसने काटा था, सच में बच्चे को बर्र ने काटा था और तांत्रिक ने जहरीला सांप बताकर लोगों को ठगा, उनको बेवकूफ बनाया। तो हम अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें दो चीजें आई थी, एक अंधविश्वास और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो यहाँ कुछ मैंने चिट्स रखी है, उनको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और कौन सा अंधविश्वास है। ठीक है, आओ अर्चिका एक चिट उठाओ और पढ़ो उसको। क्या होता है, एक अंधविश्वास। वेरी गुड, छींक आने पर बाहर नहीं जाना एक अंधविश्वास होता है। वेरी गुड अनिता।